अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग आप तमाम तर देखने वालों को, जुमा मुबारक। आपने यूजुअली देखा है कि हमारे जब भी हमसाए मुल्क से या हमारे पाकिस्तान में भी जब भी किसी सेलिब्रिटी या किसी सेलिब्रिटी के बच्चे की शादी होती है तो उनकी जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी उसकी बड़ी रील्स बनती हैं और ज़्यादातर तस्करा किया जाता है कि अच्छा उन्होंने ड्रेस क्या पहना था, अच्छा कितने लंबे इवेंट्स थे, जो लड़का था वो कैसा था। आजकल जो है वीडियो वो वायरल हो रही है आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी की, और ये थोड़ी सी मुनफरद किस्म की शादी थी क्योंकि उसमें जो दुल्हन थी वो भी काफ़ी मुनफरद थी, और दुल्हा किसी हाथी पे या किसी घोड़ी पे बैठ के नहीं आया बल्कि जो दुल्हा है वो जॉगिंग करता हुआ जो जहाँ पे उनकी शादी होनी थी उस डेस्टिनेशन तक पहुँचा, तकरीबन 8 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने दोस्तों के साथ साथ, और बिल्कुल वैसे ही आते साथ वो वेन्यू में भी चला गया भागते हुए आए साहब, और उसके बाद वैसे ही चले गए। अब आप सोचें 8 किलोमीटर के बंदा अगर भागता हुआ आ रहा हो तो सोचे उसको पसीना भी होगा। ये बंदा सोच रहा था कि भाई ज़िंदगी भर मेरे बच्चे याद करेंगे कि मेरे मैं कैसा लग रहा था, मेरी कैसी तस्वीरें थी, मतलब जो शादी की पेपर साइन करते हुए जो तस्वीरें थी ना वो उनकी इसी हुलिये में इसी में पसीने में शराबोर तस्वीरें थी। वैसे बड़ी हिम्मत आमिर खान की भी कि जितनी 8 किलोमीटर वो बंदा उनके मतलब खा दमाद ही हुए ना दौड़ते हुए आ रहे हैं, फिर बंदे को होता नहीं बेटा पहले ज़रा शावर ले लो, उन्होंने सीधा गले लगाया। ऑफकोर्स लड़की की बात थे लेकिन यूजुअली हमने शादियाँ देखी होती। अभी आपने एमन सलीम की भी हम शादी के वाले से बात कर रहे थे कि उनकी कितनी प्यारी शादी के इवेंट थे और उन्होंने इतने ज़बरदस्त कपड़े पहने थे, लेकिन इस इवेंट में सब लोग बात कर रहे हैं दुल्हन के कपड़ों के हवाले से कि ये दुल्हन ने मतलब कैसे कपड़े पहने हैं, क्योंकि लग रहा था कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो चोली है, जो दुपट्टा है, जो उन्होंने नीचे बॉटम जो पहना हुआ, और उसके बाद जो कोल्हापुरी चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल के वाले से भी बड़ी बात उलझी। खैर जी, नेक तमन्नाएं उनके साथ और अल्लाह करे कि उनकी शादी जो है वो कामयाब हो, और जितनी भी शादियाँ हो रही हैं उन तमाम तो लोगों के लिए हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी शादियों को बाबरकत और मुबारक साबित करे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे ज़रा बात कर लेते हैं इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन में भी समझ में नहीं आ रही, काफ़ी चीज़ें मिसमैच हो रही हैं ना, और लोग बात कर रहे हैं कि ये क्या, और हमने तो कभी इस तरह से इलेक्शंस नहीं देखे। क्योंकि इलेक्शन आप सोचें कि अगर एक महीना इलेक्शन में रह गया है और उससे पहले आप देखते हैं कि जी जो गहमा गहमी जो होनी चाहिए वो गहमा गहमी, वो इलेक्शन कैंपेन्स, वो इलेक्शन के मंशूर वो हमें नज़र नहीं आ रहे पार्टीज़ की जानिब से। मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कल खैर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो उनके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो अपना मंशूर सामने रख दिया है कि उनका मंशूर क्या है, लेकिन वो जो एक्टिवली तमाम तरह पार्टीज़ की पार्टिसिपेशन होती है वो नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि शायद इन पार्टीज़ को लगता है कि अभी इनको और टाइम मिल जाए, हो सकता है इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। अच्छा जी, इक्तदार का ताज किसके सर पर होगा, सब पार्टियां इलेक्शन लड़ना चाहती हैं मगर वही ना कि टांगे कांप रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी है, कभी कागजात मंजूर कभी ना मंजूर, और मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात के अपील समाज के लिए मंजूर हो गई है, फिरदौस शमीम नकवी और शेख रशीद को इंतखाबात लड़ने की भी इजाज़त मिल गई है, कोई किसी पार्टी से इत्तेहाद कर रहा है तो कोई किसी और पार्टी से इत्तेहाद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो साइन था बल्ला वो भी उनसे ले लिया गया, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और एमकेएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट के वाले से बात हो रही थी, बड़ा एक ऐसा हलका है जहाँ पर एमकेएम काफ़ी मजबूत है, वहाँ से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी जो खड़े हुए हैं और वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद है। अब ये समझ में नहीं आ रही कि क्या मुस्तफ़ा कमाल को दस्तबरदार होने का कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये तो बताएगा ये आने वाले दिन, आजकल के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और हवाओं का रुख किस तरफ है इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर, ज़रा उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आसिम। ये बताइएगा, वो कहते हैं ना कि हम तो लाहौर में देखते थे कि जब कभी इलेक्शंस होने वाले होते थे तो वो माहौल नज़र आने लग जाता था, बिलबोर्ड लगना शुरू हो जाते थे, आपको तस्वीरें लगना शुरू हो जाती थी, खंभों पर तस्वीरें नज़र आ रही होती थी, वो कहीं भी हमें कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, तो ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी इजी क्यों चल रही है? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ग्रैल रेस किया और सूरत के पाकिस्तान में आपको कहीं भी इलेक्शन की गहमा गहमी नजर नहीं आएगी। कल एक बड़ी जो वो के एमक्यूएम की जमात है और सिंध में खास तौर पर कराची की उन्हें जमात का कहा जाता था कि जी वो कराची की जमात होके रह गई है या हैदराबाद तक की महदूद है, लेकिन उन्होंने कल एक बड़ा अच्छा मंशूर अपना पेश किया है। लेकिन हम अगर किसी दिगर जमात की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ या तरीके इंसाफ, किसी की तरफ से सॉलिड अभी तक अपने मंशूर के
पॉइंट्स जो हैं वो अवाम तक नहीं थ्रो किए गए, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी तक गो मगो की कैफियत जारी है। जो सीट एडजस्टमेंट का कहा जा रहा था, और जो सबसे ज्यादा जो परसेप्शन बनाया गया वो ये बनाया गया कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लेकिन वो जो थी ना कि गल बन गई, गल बन गई वाली बात, वो इनके गले में पड़ गई, और उसके बाद वो भी बड़े महदूद हो गए, जो उनके ऊपर शफकत कर रहे थे वो भी बड़े लिमिटेड हो गए। तो सारी जो सूरत हाल है, सारी सूरत हाल के अंदर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वो अब सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन इलेक्शन में अभी तक वो उस तरह नहीं आए जिस तरह आ जाना चाहिए था। आप देखिए आज 5 जनवरी है और 8 फरवरी को इंतखाबात है, यानी कि सिर्फ 34 रोज से पहले 34 रोज के बाद जो इंतखाब का दिन है वो होगा, लेकिन कहीं भी आपको वो गहमा गहमी रौनक, वो मेला, वो एक दूसरे के साथ सियासी डायलॉग कहीं नजर नहीं आएगा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, मौसम की वजह से भी और अपने जमात के कायदीन के रवैयों की वजह से भी। आपकी दानियाल अजीज की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, देखिए यहाँ पर दानियाल एक दानियाल अजीज का मामला नहीं है। आप अगर मैं स्पेसिफिकली एक्चुअली मुस्लिम लीग नून क्योंकि इसका तो स्टेक होल्डर समझी जा रही है और कहा जा रहा है कि वही बेनिफिशियरी होगी। अब मुझसे बात स्टार्ट कर लें, आप उनकी कोयटा के अंदर जितने उनके पार्टी वर्कर्स हैं वो अपने सूबाई सदर जाफर मंदो खेल से नाराज है। वहां पर इतनी बड़ी जगह साई होगी कि एक बाप का कैंडिडेट वो कहता है मैं तो गया भी नहीं, शामिल नहीं हुआ, टिकट नहीं मांगी, मेरे नाम की टिकट निकाल दी। इसी तरह उन वहां पर जो मामला है वो काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। अगर हम आते हैं पंजाब की तरफ, आप दानियाल अजीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रुहेल असकर और अयाज सादक का मैच पड़ा हुआ है। सुहेल शौकत भट्ट का वो कहते हैं कोई और मरियम नवाज के अलावा आएंगी तो मैं किसी को यहाँ पर पार्टी में यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा, मैं लेदा लड़ूंगा एन ए 120 में। आप जाते हैं 117 में मलिक रियाज कहते हैं अगर मैं नहीं हूं तो मैं किसी और को नहीं आने दूंगा। तो हर हल्के में 127 में जहां पर बिलावर भुट्टो जरदारी अपनी कंपेन शुरू कर गए हैं, कल उन्होंने रायगढ़ में नवाज शरीफ के घर से चंद 1 किलोमीटर से भी कम के फासले पर बहुत बड़ा एक उन्होंने जलसा किया, और नवाज शरीफ का एक जो सिपाही था जो पहले ही थोड़ा सा मुनरिफ हो गया था उन्हें बकायदा तौर पर अपने जमात में शामिल किया, और एन ए 125 का वहां से उन्हें इलेक्शन लड़वा रहे हैं चौधरी अब्दुल गफूर मियो को। तो वो जो मियो बरादरी है वो यहाँ पर जाएगी, जो नून लीग के अंदर मियो बरादरी होगी ऑब्वियसली उनका भी टिल्ट कौमी असेंबली की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे जो शबीर उस्मानी है वो भी मियो है। टाइम देख रही हूँ और मैं परेशान हो रही हूँ कि 8 फरवरी में मतलब महीना रह गया, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 दिन कम और पूरा महीना रह गया, तो इसमें ये कैसे जो तमाम तर मामला था इनको सुलझाएंगे कैसे? ये पार्टी सोच कर रही है क्योंकि हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की पार्टी आम इजलास हो रहे हैं, पूरी सीनियर क्यादत वहां पर मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद इनकी तमाम तर ये छोटी मोटी चीजें ये सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही। मदिया जो मेरे पास इत्तलात है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि ये 48 से 72 घंटों में टिकटें मुस्लिम लीग नून तो अपनी जारी कर देगी, और क्योंकि नून लीग की ही वर्किंग है इस वक्त पंजाब में, पंजाब ही एक ऐसा सूबा है अगर यहाँ से जो भी एक सीनियर ले जाएगा वो आराम से अपनी इजीली अपनी हुकूमत बना लेगा, और अगर कोई स्वीप करेगा तो वो 2/3 इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो 2/3 के साथ वफाक में हुकूमत बना लेगा, और सुबह ऑब्वियसली अगर वो नीचे पंजाब में कौमी जीत रहा है तो वो सुबह ही भी जीतेगा तो वो पंजाब में भी हुकूमत बना लेगा। तो बड़ा जो स्टेक होल्डर पंजाब अच्छा आसिम मुझे आसिम की जरा मुझे आवाज़ में नहीं, अच्छा आसिम मुझे ये बताएगा कि देखिए जैसे हम ये एक्सपेक्ट करें कि पंजाब में जो कांटे का मुकाबला होगा वो पाकिस्तान पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी भी बड़ी एग्रेसिवली वहाँ पर जो स्पेसिफिकली मेल मुलाकातें कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनका बड़ा इंटरेस्ट, और वो कह भी रहे हैं कि जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगाज़ हुआ था मैं वहीं से जाके जो है ना मैं इनसे इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो आपको लाहौर में माहौल क्या दिखाई दे रहा है, आपको पंजाब में वैसे माहौल क्या दिखाई दे रहा है, क्या लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अच्छी उम्मीदें रखते हैं कि वो जब आ जाएंगे इख्तदार में तो लोगों के जो मसले हैं उनको हल करेंगे? मदिया देखिए यहाँ पर सूरतेहाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में इलेक्शन के ऐलान और इलेक्शन की कैंपेन शुरू करने से उन्होंने कल अपने हलका एन ए 127 में मुख्तलिफ दफातर के दौरे किए हैं, उन रोड्स का जो पूरा हलका है उन्हें एक विजिट कराया गया, और उसके अंदर उन्होंने एक ऑफिस का तो इफ्तिताह किया, लेकिन वैसे बताया गया कि ये सारा ऑफिस है
ये सारी यहाँ पर हमने मेन कंप्लेन का ऑफिस बनाएंगे और ये पीपीस के होंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पीपल्स पार्टी बहुत मुतहरिक हो गई है, और पीपल्स पार्टी का लेकिन एक बदकिस्मती है कि जो वोट बैंक था वो सारा कन्वर्ट हो गया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। अब देखना यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बेटा, साबिक वजीर आजम बेनजीर का बेटा, वो अपने नाराज जो कारकुन यहाँ से या उनके हमायती थे, उनके जो वोटर सपोर्टर थे, उन्हें मनाने में कामयाब होता है या नहीं होता। लेकिन कल के दिन तक तो लग रहा है कि सिर्फ अभी पीपल्स पार्टी ने अपनी कंपेन शुरू की है, और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी बकायदा एक मैच की तरह और एक बड़े हम ये कहेंगे ना कि एक बड़ा टाकरे की तरह इस इलेक्शन को लेके चलेगी, क्योंकि ये बिलावल भुट्टो को आसिफ अली जरदारी ने हराने के लिए यहाँ पे नहीं उतारा, उन्होंने ऑब्वियसली अगर कुछ कैलकुलेशन की है, और यहाँ पर जो सेंटिमेंट समझने की कोशिश करें तो देखें, अगर आसिफ जरदारी खुद मैदान में उतरते हैं अपने लिए और बिलावल भुट्टो जरदारी अगर उतरते हैं मैदान में अपने लिए, तो उसमें बड़ा फर्क है। लोगों के सेंटिमेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो बिलावल भुट्टो जरदारी से अटैच इसलिए हैं क्योंकि वो बीबी के बेटे भी हैं। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लेती हूँ मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात होने जा रही थी, वो अभी ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा बहुत खटाई में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल भी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी एक ही हल्के से खड़े हैं। सो इस हवाले से आपके पास कुछ इतराज़ हैं, कुछ होने जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, एमक्यूएम के साथ पहले तो बहुत ज्यादा ये जोर शोर के साथ कहा गया कि चीजें सेटल हो गई हैं, लेकिन एमक्यूएम भी जो सीट्स थी वो ज्यादा मांगनी थी, और उनकी सीटों की तादाद ज्यादा मांगने के ऊपर जो इख्तलाफ है, और या डेडलॉक, इख्तलाफ नहीं कहेंगे, डेडलॉक आया हुआ है। लेकिन ये जो आने वाले ये 2 से 3 रोज है ना, इनमें इन तमाम चीजें अब सेटल डाउन होंगी, क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर नेक्स्ट वीक में तो ऑब्वियसली नॉमिनेशन पेपर्स भी वापस लेने हैं जिन्होंने वापस करने हैं, तो उससे पहले सारा जो जोड़ तोड़ है वो होना है। तो लग यही रहा है कि मुस्लिम लीग नून कुछ लोग की पॉलिसी को इख्तियार करेगी, सिंध में भी करेगी और कोशिश करेगी वो पंजाब में भी करेगी, उसकी तादाद शायद कम हो, लेकिन वो कोशिश यही करेंगे कि आसिफ शहबाज शरीफ जो उम्मीदवार है और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, वो आपस में कुछ ऐसा रास्ता बनाए कि शहबाज शरीफ को रास्ता मिल जाए और वो आराम से ये इलेक्शन अपना निकाल ले। इसी वजह से एक अहम मुलाकात की थी खुर्शीद शाह ने और सरदार रियाज सादिक ने, जिसमें भी यही कहा गया था कि एक तो NA 127 और जो कौमी असम्बली का सिंध में कराची का जो हल्का है जहां पर शहबाज शरीफ लड़ रहे हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि आप अपना कैंडिडेट जरा पीछे करें, हम यहाँ से हल्का आपको कैंडिडेट देते हैं ताकि हम आप यहाँ से जीतें, हम वहां से जीतें। यही सूरतेहाल एमक्यूएम के साथ की जाएगी कि एमक्यूएम को भी शायद ये अगर वहां पर साबिक नाजिम मान जाए मुस्तफा कमाल साहब, तो हो सकता है कि उन्हें कहा जाए कि हम आपको जिमनी में एडजस्ट करेंगे या हम आपको वफाकी किसी जो कैबिनेट है उसके अंदर लेके आएंगे, तो आप कुछ ना कुछ करें। तो इस वक्त ये मेरा ख्याल है सवाल का जवाब ज्यादा बेहतर देंगे मुस्तफा कमाल, क्योंकि ये कोर्ट बोल उनकी कोर्ट में आ रहा है और उन्होंने डिसीजन करना है कि वो स्टेप डाउन हो रहे हैं। अच्छा, क्विकली आसिम, जब मैं जानना चाहूंगी, एमक्यूएम ने भी कल अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया, इसको आप कितना तगड़ा देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं आपको स्टार्ट में भी बात की, अच्छा हुआ आपने बड़ा टाइम पे। एमक्यूएम के मंशूर के अंदर जहां पर उन्होंने अपने आप को एक कौमी जमात का रूप धारा है, और जो उन्होंने गुफ्तगु की है अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, उस कनेक्टिविटी के अंदर आप देखें उन्होंने तमाम चीजों को एड्रेस किया है। और एक आखिर में इनका ये मंशूर क्या है, 19 या 18 या 19 ये पॉइंट है, जिसमें कहा गया है कि हम प्राइमरी सतह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करेंगे बच्चों में, तो वो आने वाले मुस्तकबिल को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, कराची की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे, हम इन्वेस्टर्स का जो शेकी उनका माइंड है उसे मजीद मुस्तहकम करेंगे और कहेंगे आए इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्ट किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। तो उनके जो पॉइंट्स हैं, जो जितने भी हम बात कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड की उन्होंने बात की, उन्होंने अपने तमाम जो सरमायादाराना जो पहले भी उनकी पार्टी के साबिक
जो सरबराह है, यानी कि ये समझने की कोशिश करें कि उन्होंने अपने इस मंशूर के जरिए जितने भी नकाज सामने रखे हैं उसमें ये भी देखा है कि कौन कौन से लोग उनसे नाराज हैं, उनको किन किन लोगों को अपने वोट बैंक में लाने की जरूरत है, ये हमने देखा है कि जी एमक्यूएम ने अपने मंशूर में इसको देखा है। बहुत शुक्रिया जी आसिम नसीर, हमारे सीनियर जो रिपोर्टर, हमारे सीनियर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे आने वाले इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है। गहमा गहमी तो बड़ी कम है, देखते हैं जी। ब्रेक आ रही है, एक ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बजाएगा। वेलकम बैक। अब मुझे बात करनी है शहर कायद की, जहां एक बार फिर से खौफ की फिजा कायम हो गई है भत्ते को लेकर। कराची में भत्ताखोरों ने एक बार फिर से सर उठा लिया है। गुज़िश्ता साल नवंबर अक्टूबर में पुलिस को 30 शिकायत मौसूल हुई थी। भत्ता माफिया ने 2 ताजरों की जानें भी ली हैं और ताजरों के कत्ल से बिजनेस कम्यूनिटी में काफ़ी खौफ हरास भी फैल रहा है। समा से खसूसी गुफ्तगु करते हुए ताजर रहनुमा का क्या कहना था, ये भी आपको दिखाती हूँ। मज़ीद इस पर बात करेंगे लेकिन पहले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कराची में एक बार फिर से भत्ताखोर जो है वो सरगर्म हो गए हैं और ताजरों को पर्चियां मिलना शुरू हो गई हैं और ताजरों में इस हवाले से काफ़ी खौफ भी पाया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान आलम। रिजवान मुझे बताइएगा कि ताजरों के तहफ़ के लिए हुकूमत की जानब से खसूसी एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्या अहम निकात हैं इस एडवाइजरी के, सबसे पहले तो ये बताइएगा। छोटी एडवाइजरी जारी की गई है, क्राइम साइड क्राइम मॉनिटरिंग सेल की जारी है। अच्छा, यही बहुत ज़्यादा तकलीफनाक बात है कि देखो सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है अमूमन वो ऑफिशियली सरकार जारी करती है और ये डोमेन भी सरकार का होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सलीब के इलाके हैं क्राइम मॉनिटरिंग सेल सरकारों को ये कहे कि वो जो है वो सफर के दौरान जो है वो रास्तों को तब्दील करें, गाड़ियों को तब्दील करें और अपने औकात को तब्दील करें, तो यकीनन इससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफनाक बात है। और कराची जैसे शहर जो पाकिस्तान का माशी इंजन है और यहाँ पे 7 बड़े सनती इलाके हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 70% यहीं से एक्सपोर्ट होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफनाक बात है। इससे सिक्योरिटी एडवाइजरी कल रात से जारी की गई है और इससे बहुत ही खतरनाक और तकलीफनाक बातें की गई हैं। वो क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया है सनतकारों को कि वो किसी भी गैर मुतवक्का हादसे से बचने के लिए बहुत होशियार रहे, शहर के हालात के पीछे नजर अपने रास्तों को तब्दील करें और औकात को भी तब्दील करते रहें, और खासतौर पर जब ट्रैफिक जैम या सिग्नल के ऊपर पड़ो और वहाँ जैम में आप पको तो बहुत ज़्यादा होशियार रहें। अपने कारखानों और फैक्ट्री के बाहर जो है सिक्योरिटी कैमरे जरूर लस्ट करें, कम से कम 2 और सर्च लाइटें, और अगर उन्हें भत्ते की कॉल या पर्ची आए तो वो फौरी तौर पर जो है एसआईटी क्राइम मॉनिटरिंग सेल को जो है वो इससे आगाह करें, उनका नाम राज में रखा जाएगा। तो यानी कि ये है कि अब ये बात इस तरफ से निशानदेही कर रही है तरफ कि भत्ते की पर्चियाँ और कॉलें आना शुरू हो चुकी हो, न सिर्फ शुरू हो चुकी है बल्कि बहुत ज्यादा पैमाने पे ज्यादा हो गई है, इस वजह से क्राइम मॉनिटरिंग सेल को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। 2 ताजे कराची में कतल हुए, हम 8 साल बाद एक बार फिर बच्चे की कॉलें और पर्चियों का जो है वो शोर सुन रहे हैं, और 2015 के बाद ये थम गया था, और ये इतनी खतरनाक चीज है कि ताजे अपना न सिर्फ खुद जो है वो मतलब को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं बल्कि अपना सरमाया भी यहाँ से ले जाते हैं। 2015-14 में हम ये देख चुके हैं कि ये सिक्योरिटी एडवाइजरी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, सूरत हाल है सबके लिए, कराची में हो क्या रहा है। और इनफैक्ट जो भी एडवाइजरी भी जारी की गई तो उसमें भी ज्यादातर जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है कि ताजरों से ही कहा गया है कि वो ही अपना ख्याल रखें, रूट्स भी वो चेंज करें और क्या क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए, तो ये ऐसी कुछ है नहीं खास में चीज़ें कि जिससे थोड़ी तसल्ली जो है वो मिल सके ताजरों को। बहुत शुक्रिया जी रिजवान आलम, हमारे सीनियर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे कि ताजरों की जो मुश्किल हैं
मज़ीद बढ़ गई हैं अब स्पेसिफिकली, जबकि उनको भत्ते की पर्चियाँ दोबारा से मिलना मौसू रही हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते जनाब, और मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ दो नहायत ही क्रिएटिव बहनों से। ये बहनें जो हैं ये जैकेट और कपड़ों पर पेंटिंग्स करके इनको और खूबसूरत बना देती है, और आजकल तो आपके सामने है ही कि ये फैशन में किस तरीके से जीन्स पे, डेनिम जैकेट्स पे पेंटिंग्स हुई हुई चीज़ें पूरी दुनिया भर में ज़्यादा मकबूल हैं। ना सिर्फ इन पे बल्कि बैग्स पे भी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। तो ज़ुनैरा अंसारी और हिरा फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया कि हमने ये काम करना है। पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया था टी शर्ट से ना, समर्स थे तो उस वक्त स्टार्ट किया था। किसी फ्रेंड ने ही बोला था कि मुझे ये बना दोगी, ये वैसे आर्टिस्ट हैं तो पेंट्स तो करती ही हैं, तो कैनवस पे तो ऑब्वियसली करती हैं। लेकिन ये सब मुझे अपनी बहनों से और अपनी मम्मी से ही आया कि वो पहले क्रिएटिव मतलब है ना बहुत ज्यादा, ये डिजाइनिंग और स्टिचिंग और ये सारी चीजें वो करती हैं। तो आपसे पेंटिंग तक नहीं कि आपने भी स्टिचिंग या डिजाइनिंग वो भी नहीं की? स्टिचिंग तो मैं अभी तक नहीं करती, लेकिन डिजाइनिंग हाँ मुझे बहुत शौक है। इनको स्टिचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है घर के अंदर ही, तो इस वजह से ये बस बता देती हैं कि ये इंस्पायर, यानी कि आपको आपके घर वालों ने ये किया ना कि बाहर के किसी डिजाइनर ने आपको इंस्पायर किया। तो जो पहली चीज आपने बनाई थी वो क्या थी? वो मैंने टी शर्ट बनाई थी, पेंट की थी अपनी फ्रेंड के लिए। फिर उसके बाद जब विंटर्स आए तो फिर मैंने कहा आपको जैकेट्स पे होना चाहिए क्योंकि अब टी शर्ट्स तो नहीं, तो जैकेट पे पेंटिंग शुरू की थी। बट देन मेरी सिस्टर के कपड़े वगैरह उस तरह की जो पैचेस वगैरह बच जाते थे ना, तो मैंने फिर उनसे स्टार्ट किया कि ये भी होना चाहिए थोड़ा ना अपसाइकल वर्क सारी, क्योंकि अब देखिए पूरी दुनिया जो है सस्टेनेबल फैशन के हवाले से बात कर रही है, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज पे बात करें तो इट्स सस्टेनेबल फैशन इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बेसिकली मेरा क्लोथिंग ब्रांड है तो वो जितना भी लेफ्ट ओवर होता है तो वो इसको यूटिलाइज करती हैं, तो बेसिकली ये वहीं से ही इनको आया कि अच्छा ये पैच है ये पैच है, हमारे लिए वो काइंड ऑफ वेस्ट होता है, लेकिन इनके लिए कुछ भी वेस्ट नहीं करते। यानी कि कोई भी चीज अगर कहीं पुरानी हो जाए तो आप उसको फेंकते नहीं है, आप उसको एक नई जिंदगी देते हैं उस पर कुछ चीज क्रिएट करके। अभी जो आपके सामने जैकेट है, मैं चाहूंगी जरा अपनी किस में आपने क्या किया ताकि मेरे नाज़रीन देख सकें। अच्छा ये जैकेट मेरी अम्मी ने भी डिज़ाइन की है, यहाँ मैंने हाफ पेंट किया हुआ है। ठीक है, मैं चाहूँगी मुझे दिखाइए, मैं दिखाती हूँ। ये जी जनाब, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने बैक पे देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा मैन अगर ये इसको ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालती हूँ। तो ये प्रॉपर इस पर ये आपने पहले साथ में पेंट किया हुआ है, पेंट किया ताकि वो आगे तक आए। ठीक है, फिर साथ में इस पे एम्बेलिशमेंट्स। ओके, और ये एम्ब्रॉयडरी पैचेस भी जो हमारे जो लोकल आर्टिसंस हैं ये उन लोगों से ही बनवाए हुए, मतलब हमारा पाकिस्तानी कल्चर ही है एक तरह से, उसको ही हम यूज कर रहे हैं कि उसको मॉडर्न फ्यूजन वे में उसको। अच्छा, यानी कि बहुत सी हमारी डेनिम की जीन्स जैकेट्स होते हैं, हमारा दिल उनसे भर जाता है, हम कहते हैं क्या करें इसका। आप इसको दिखाइएगा जी हेरा की, ये इसकी बैक पे पेंट हुआ। ओह वाओ, और ये पेंट ज़ुनैरा आपने किया, ब्यूटीफुल। और इसको कॉम्प्लीमेंट ये तो आप साड़ी के ऊपर भी पहन ले, सिंस बहुत से लोग मेरी साड़ी से मोहब्बत जानते हैं बट ये बहुत मज़े की उन्होंने पेंट किया हुआ। आप याद दिखा सकते हैं अगर ये कौन से वाले कैमरे में दिखाऊँ। हाँ ठीक है, और फ्रंट पे उसी को ही कॉम्प्लीमेंट करते हुए उसके सारे एम्ब्रॉयडरी पैचेस। ये देखें जी, बड़ी एथनिक लुक है इसकी और बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये। और आप कभी बाहर मुल्क से जब आपका बाहर जाना हो तो आप देखते हैं कि जी ऐसे बहुत सारे जो काम होते हैं ना वो बड़े हैवी हैवी प्राइसेस में, क्योंकि वहाँ पे तो ये हाथ से काम होते नहीं, वहाँ ज़्यादा मशीन के काम होते हैं, तो जो हाथ की बनी हुई कोई भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आपको ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? ऑनलाइन वेबसाइट है हमारी और इंस्टाग्राम के पेज है, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपलोडेड होती हैं और वहीं पर ही जो है वो अगर कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है तो इंस्टाग्राम पे भी आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग की प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज पे जाऊँ, प्राइस रेंज हमारी 6,000 से स्टार्ट है और फिर वो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली बाहर की प्राइसेस से। वो बड़े खुश होते हैं, इवन बाहर जो कस्टमर्स हैं तो वो दे आर मोर देन हैप्पी के दे आर गेटिंग वेरी चीप। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही की, बाकी बहुत कम पैसों में अगर आप बाहर की बात करें
तो उनको कम पैसों में अच्छी चीज जो है वो पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुशी होती है कि वहाँ उनसे पूछा जाता है कि अच्छा ये पाकिस्तान से आया है, तो ये पाकिस्तानी एम्ब्रॉयडरी वो देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं लोग उनसे, तो वो इस चीज से हमें भी ज्यादा प्राउड फील होता है। अच्छा सी, अब सिर्फ ये पेंट नहीं करते, लोग जॉगर्स भी पेंट करते हैं, शूज भी जो है वो पेंट करते हैं, वो आगे अगर मेरे कैमरा में दिखा सके तो नीचे कुछ जूते भी पड़े हुए जो उन्होंने पेंट करके और उसमें एम्बेलिशमेंट्स भी है, एम्बेलिशमेंट है। अच्छा ब्राइडल शूज भी जो है वो उन्होंने अम्मी ने बनाए। अच्छा वो अम्मी ने बनाए, जबरदस्त। ओ, ये तो बहुत मजे के हैं। एक तो आप स्निकर्स और दूसरे, अच्छा दूसरे ब्राइडल हैं। ओह, कभी किसी ब्राइड का दिल करे भागने का, बट इट्स ये पहन के भाग जाए अपने ही घर ससुराल में। ब्राइड्स कंफर्ट देखती है ना, तो ज्यादा पूरा दिन होता है ऑब्वियसली, सुबह से रात शूट होता है ब्राइड्स का, तो फिर उसके बाद फिर रात तक इवेंट होता है, तो वो तो फिर थक जाती है, तो ये बड़े कंफर्टेबल है भाई वाकई। और नीचे अब तो ड्रेसेस इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपको हील्स तो नजर ही नहीं आती। मुझे भी याद है मैंने कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई थी, किसी को पता नहीं चला मैंने कोल्हापुरी चप्पल पहनी है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैरा, बहुत शुक्रिया आपका हिरा। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक। जहां इलेक्शन में बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, वहीं इस्लामाबाद की ख्वाजा सरा नायाब अली ने भी इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है, और नायाब ने NH 40 और 47 से कागजात जमा करवाए हैं। नायाब अली का वो अपनी कम्युनिटी, ख्वातीन, मजदूरों और अकलियतों की आवाज़ बनने का अज़म है, और इस वक्त ख्वाजा सरा नायाब अली ने हमें ज्वाइन भी किया है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो मुझे बताएं, हम तो बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनके लिए देखने के कितना मुश्किल हो गया है कागजात नामजद की जमा करवाना, क्योंकि बहुत से लोगों के तो कागजात नामजद की मुस्तरद भी हुए हैं, आपके लिए प्रोसेस जो था ये कितना मुश्किल था? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और सेकेंडली देखें प्रोसेस कोई भी हो वो आसान नहीं होता, और मेरे लिए भी इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि जब मैं नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गई मेरी तो मुश्किलात वहाँ से ही शुरू हो गई। बल्कि मैं ऐसे कहूँगी कि जो प्री रिक्विजिट्स पूरे करने थे वो इतने मुश्किल थे कि आपने कोई 50 चीज़ें साथ में अटैचमेंट के तौर पर लगानी थी। फिर उसके बाद मैं जब पेपर लेने के लिए गई तो रिटर्निंग अफसर ने मुझे कहा कि मैडम हम आपको नॉमिनेशन पेपर नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों नहीं आप दे सकते? ही सेड कि आप ख्वाजा सरा इस वजह से नहीं दे सकते। और फिर मैंने उसके ऊपर एहतजाज किया, वीडियो अपलोड की जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन से रबता किया, और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल जी ख्वाजा सराओं को भी नॉमिनेशन पेपर दे सकते हैं। तो जिसके बाद मुझे नॉमिनेशन पेपर जारी हुए, और फिर उसके बाद लेकिन उसके बाद फिर प्रोसेस ज़रा थोड़ा सा स्मूथ रहा, और मेरे दोनों हलकों से NA 46-47 से कागजात नामजद की मंजूर भी हुए, और अभी कल ही उसके ऊपर एतराज़ भी एक लग गया है उसकी मंजूर होने वाले फैसले के खिलाफ। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि आगे वाला जो मरहला है वो आसान रहेगा। सही। अच्छा नायाब, आपकी कम्युनिटी की क्या एक्सपेक्टेशन है? बिकॉज ऑफ कोर्स हम यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है दे हैव टू सफ़र अ लॉट, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, उनके लिए वो मौके रोज़गार के मौजूद ही नहीं होते जो कि होने चाहिए, जो बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद हैं। तो आपका क्या, जो अगर मैं मंशूर कहूँ तो आपका क्या मंशूर है? देखिए आपके सवाल के दो हिस्से हैं। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बात करूंगी। यू राइटली सेड के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक बेसिक सोशल प्रोटेक्शन जो कि फैमिली की तरफ से होनी चाहिए ख्वाजा सरा बच्चों को वो नहीं मिलती, और मैं भी 13 साल की थी जब मेरे वालदैन ने मुझे डिसऑन कर दिया था। इसी तरीके से मेरे दूसरे ख्वाजा सरा साथी जो कि हमारी कम्युनिटी मेजॉरिटी के पेरेंट्स जो हैं वो उसको डिसऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से बेसिक जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है वो हम नहीं हासिल कर पाते। तो उसके बाद माशरे के जी जी बिल्कुल फिर अगर हम स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी को, हमारी शिनाख्त को जो निशाना बनाया जाता है। तो जब एक बेसिक मैं आप कहूँगी एक बेस लाइन नहीं होती तो आप फिर आगे फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते, आप डिसेंट एम्प्लॉयमेंट या डिसेंट आप जो लिविंग उसको नहीं इन्जॉय कर सकते। और साथ में पॉलिटिक्स जो है वो मैं कहती हूँ उसके
आगे का कोई मरहला है। तो दूसरी तरफ आपने मंशूर की बात की, तो मैं मंशूर भी आपको बताती चलूँ। देखें कि मैं इस वक्त जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हूँ, और जनरल सीट का मकसद मतलब ये है कि मैं सिर्फ ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अपने हलके के आवाम की भी नुमाइंदा हूँ। तो मेरा जो मंशूर है वो मंशूर में जहाँ पे ख्वाजा सरा कम्युनिटी मेरी प्रायोरिटी है, चूँकि मैं ख़ुद इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि इस्लामाबाद का हलका है, यहाँ पे अशराफिया और उसके साथ साथ गरीब आवाम दोनों के दोनों लोग इक्वल जो है वो आप कह लें कि रेशो पे रहते हैं। जब आप इस्लामाबाद को देखते हैं तो इस्लामाबाद को आपको बड़ा डेवलप्ड और बड़ा खूबसूरत और ऐसा शहर नज़र आता है जिसके अंदर दौलत की रेल पेल है, लेकिन वहाँ पे उसकी गर्दोनवा में इतनी कच्ची आबादियाँ जो कि बेसिक फैसिलिटीज से महरूम है। तो मेरा जो फोकस है बेसिकली गरीब आवाम लोगों को है। जी जी बिल्कुल, मैं मेरा मुझे फोकस मंशूर देखिए कि अक्सर आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो इलेक्शन जीतने के बाद कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं आपका ख्याल भी ऐसा तो नहीं? और आई एम श्योर कि आपको भी मुख्तलिफ पार्टी से कोई ना कोई ऑफर तो आई होगी। देखिए ऑफर्स जाहरी बात है आ रही हैं, लोग रबते कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है, क्योंकि मेरी जब सोशल मीडिया के ऊपर और हल्के के आवाम के अंदर पॉपुलरिटी देख के बहुत से लोगों ने मुझे रबता किया, बहुत बड़ी बड़ी जमातों ने रबता किया, और फ्यूचर के अंदर भी कुछ अच्छी पोजिशन देने का भी वादा कर रहे हैं। लेकिन देखें द थिंग इज़ कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करूँ और पहली ख्वाजसरा पार्लियामेंटेरियन बनूँ मुल्क पाकिस्तान की, जो के पार्लियामेंट के अंदर बैठे और सही माने में जाके अवाम की तर्जुमानी करे, क्योंकि हमारे जो रवायती सियासतदान हैं उनसे अवाम तंग आ चुकी है। तो मुस्तकबिल में मेरा कोई जी फ्यूचर पार्टी ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन हाँ जो हमें ये वादा करेगा कि हमारे इंसानी हकूक़ की सरबुलंदी और हमारे मंशूर के साथ अलाइन करेगा, उसके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट को ज़रूर वोट देंगे, लेकिन मैं अपनी जो है वो इंडिपेंडेंट हैसियत अगर मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ तो मैं बरकरार रहूंगी। चलें वेरी बेस्ट लक टू यू, क्योंकि आसान नहीं होगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश होंगे, अभी तो आपने लोगों में जाना भी है वोट मांगने के लिए, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मचाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और नया साल शुरू हुआ है। देखें अब एक हफ्ता भी कंप्लीट होने वाला है, और ये पहले हफ्ते का देखा जाए तो ये आखिरी शो है, और 2023 कैसे गुजरा और उसके बाद 2024 शुरू भी हो गया, और आज 5 तारीख है। दिन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, और इन तेज़ी से गुजरते हुए दिनों में जो हमारी मैच की सूरत हाल है, जो हमारे मैच की एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो 2023 हो 2024 हो, हमारी एक्सपेक्टेशन टीम से यही है कि जी आपने कैच ड्रॉप नहीं करने, आपने बहुत अच्छा खेलना है, आपने तू चल मैं आया वाली पॉलिसी नहीं अपनानी, और आपने जीत के आना है, क्योंकि 28 सालों से हम ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक जब भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ हो तो पाकिस्तान कोई ना कोई मैच तो जीते ना। अब 3 जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी, 2 तो आपने देखा है कि इसमें हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन जो तीसरा ओवर उसमें कहीं ना वो उम्मीदें पैदा हो रही हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी हों। सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज़ बारिश ने एंट्री दी, 44 ओवर्स का खेल ज़ाया हुआ, तीसरे रोज़ ऑस्ट्रेलिया की टीम 299 रन बना सकी और पाकिस्तान को 14 रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी स्लिप में कैच ड्रॉप करने की जो रवायत है वो भी बरकरार रखी, और फिर उसमें तो ये भी कहा गया कि लगता है कि वहाँ पर कोई आसेब है जिसकी वजह से ना वहाँ पर कैच ड्रॉप हो जाता है। साई मयूब ने आसान कैच गिराया, फिर इनिंग में आमिर जमाल ने शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को 300 रन तक पहुंचाया, बॉलिंग भी शानदार रही, 6 उन्होंने शिकार किए, और दूसरी इनिंग के आगाज़ में पाकिस्तान की बैटिंग जो है मायूस कन रही। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हो गए। बॉलर्स मेहनत करते हैं, बैट्समैन मेहनत पर पानी फेर देते हैं, हाय हाय हाय, हमारे तो दुखी बहुत ज़्यादा पे। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा बड़ा स्पोर्ट्स हाफिज़ इमरान, और साथ में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर, अस्सलाम वालेकुम इमरान, एंड वेलकम टू सुबह का समा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा यासिर, सबसे पहले तो आप, क्योंकि आप तो टेस्ट क्रिकेट खेल भी चुके हैं, ये फ्लॉज आपको क्या नजर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि हो क्या रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ?
देखें ऑस्ट्रेलिया का टूर कभी इतना इजी नहीं होता जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि 28 साल से हम लोग वहां पे मैच जीतना चाह रहे हैं क्योंकि दे कम रियली हार्ड ऑन यू. वो अपनी कंडीशंस में बड़ा डोमिनेंट खेलते हैं और पाकिस्तान ने अगर देखें इस सीरीज में देखें तो मैं समझता हूँ कि पर टेस्ट को छोड़ के क्योंकि पर टेस्ट काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए. बाकी कोई टीम वहाँ पे तो खेलती नहीं लेकिन पाकिस्तान अपना पहला मैच पर्थ में ज़रूर खेलता है क्योंकि वो पर्थ की जो कंडीशंस है हमें बिल्कुल सूट नहीं करती और हमारा जो कॉन्फिडेंस यहाँ से हम ले के जाते हैं वो भी वहाँ पे जाके जीरो हो जाता है. अच्छा हम फिर पहला मैच अपना पर्थ से. अच्छा यासिर क्यों हम मतलब जो पता है कि जो चीज़ जो है ना जो हमें टफ टाइम देगी हमने वहीं से शुरू करना है कि वो पेपर वाली बात होगी ना कि पहले ज़रा टफ सवाल करने आसान सवालों पर बाद में आएंगे. देखिए ये हमारे हाथ में तो नहीं होता क्योंकि ये जो आइटेनरी बनती है ये पहले से ये चीज़ मेरे ख्याल से मैंने भी जब टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम पर्थ और फिर हम मेलबर्न गए और फिर हम आखिर में आगे सिडनी में हम खेले थे और हमें वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो अपनी तरह लगी थी जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है सिडनी टेस्ट मैच में पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है. तो बड़ा देर हो जाती है हमें वहाँ पे जो है अपने फ्लो में आने में. तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक खैर आईसीसी की तरफ से या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान को एक है कि यार आपने पहले पर्थ में लैंड करना है यहाँ पे आके अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको जीरो करना है फिर उसके बाद आपने लेवल प्ले फील्ड पे आपने हमारे साथ खेलना है. तो मेरे ख्याल से ये तो एक खैर शुरू से बात है. बट अगर कमिंग बैक टू सीरीज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज डन रियली वेल इन मेलबर्न टेस्ट. We were close to win और I think पाकिस्तान जो है 318 का जो टारगेट चेस कर रहा था तो we were very close. Unfortunately कुछ डिसीजन हम लोगों के फेवर में नहीं गए. वो रिजवान वाला डिसीजन जो था बहुत कुछ डिसीजन कुछ परफॉर्मेंस भी कुछ परफॉर्मेंस बिल्कुल और बट देखिए परफॉर्मेंस को ना हम ये नहीं कह सकते अवॉइड नहीं कर सकते जी. अच्छा मैं जरा इमरान आपसे भी जानना चाहूँगी. देखिए ऑफकोर्स क्योंकि यासिर जो है वो तो वहाँ पे खेल भी चुके हैं और वहाँ पे डायनामिक्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं लेकिन ये तो मुझे लगता है कि बड़ी साजिश है कि जो आइटिनरी बनती है वो पहले लाते ही पर्थ हैं कि पहले इनको यहाँ पे हराते हैं इनको एग्जॉस्ट करते हैं ताकि इनको लग पता जाए लोग स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं और फिर ऑफकोर्स वही वाली बात ना कि नफसियाती तौर पर भी खेलते हैं वो लोग. तो देखिए ये जो होस्ट कंट्री है ना उसकी अपनी एक हिकमत अमली होती है कि वो जो बाहर से आने वाले ममालिक हैं उनको कहाँ से शुरू करवाते हैं. पाकिस्तान के पास भी ये रास्ता मौजूद है. पाकिस्तान भी यहाँ जहाँ ये समझता है कि वो कराची में ऑस्ट्रेलिया को फंसा सकता है स्पिन पिचेस के ऊपर तो वहाँ से शुरू कर ले. पाकिस्तान ने तो ऑस्ट्रेलिया को जो बैटिंग पिचेस दी थी वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान को हरा कर गए हैं पिछले साल जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए कबील अरसे के बाद पाकिस्तान आए थे. तो पर्थ का हम ये बात ठीक है कि वहां पर इंडिया जाते हैं उनको हरा के आ जाते हैं पाकिस्तान उनको हरा के चले जाते हैं लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा. देखिए पर्थ में पाकिस्तान का आगाज हुआ ठीक है कंडीशंस हमारे लिए अच्छी नहीं होती है लेकिन जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उन कंडीशंस पे अडैप्ट करें. अभी कल ही आप देखें टेस्ट मैच खत्म हुआ है केप टाउन में इंडिया और साउथ अफ्रीका का तो दो दिन भी मुकम्मल खेल नहीं हुआ. एडन मार्करम ने उसमें जो सौ किया है और जिस तरह से इंडिया के दो तीन बैटर्स ने पहले इनिंग्स में रन्स किए थे केएल राहुल ने पहले टेस्ट मैच की पहले इनिंग्स में सौ किया था. तो आपको रन्स करना पड़ते हैं इस तरह की चीज़ों से आपको निकलना पड़ता है. पाकिस्तान के लिए ये दौरा अब तक आप देखें कि गोके दो टेस्ट मैचेस हारा पाकिस्तान लेकिन ये टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान इससे बेहतर नतायज हासिल कर सकता था अगर वो अभी जब आपने शुरू में जिक्र किया ना कि किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी ने कहा कुछ असेब का साया है तो मुझे मरहूम मुनीर न्यादी साहब याद आ गए हैं कि इस मुल्क पे असेब का साया है या क्या है कि सफ़र तेज तर हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता. तो ये पता नहीं ये असेब के साये पाकिस्तान के ऊपर ही आते हैं. ये भी तो कहा जा सकता है ना कि उनके ऊपर थे वो जानबूझ के उनको स्लिप की तरफ भेज देते हैं लग जाती है. ना ना मुझे नजर इमरान नजर, नजर, नजर लग जाती है हमें हमें हमारे नजर फैक्टर पर. अब तो मुझे ये डर अब तो मुझे डर है आप जमाल को नजर लग जाए इसकी नजर उतारे जितने भी लोग उनको देख रहे टीवी पे. देखिए आमिर जमाल के बारे में जो बातें शुरू होंगी ना कोई उसको बेन स्टोक्स के मिलाएगा कोई उसको अजहर महमूद और अब्दुल रजाक से मिलाएगा कोई उसको हार्दिक पांड्या बनाएगा लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उसको दूसरा अब्दुल रजाक या हार्दिक पांड्या बनने के बजाय उसको पहला आमिर जमाल बनना चाहिए और पाकिस्तानियों को उसको खेलने देना चाहिए. किसी के साथ मवाजने के मुकाबले की जरूरत नहीं है बजाय इसके
कि वो अब्दुल रजाक की तरह बनना चाहें, वो आमिर जमाल बने ताकि उनको देखकर पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स उन जैसी बेहतर खेल का मुजाहरा करने के लिए कोशिश करें और वो इंस्पायर करें पाकिस्तान की एक जनरेशन को जो उनको देखकर खेल के मैदान की तरफ आए। तो ये ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए भी, और उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। अभी जो साइम अयूब जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह से बाबर आजम उनका साथ दे रहे हैं, ये वाला टेस्ट मैच भी पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करे, पाकिस्तान के पास एक मौका है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ये बैटिंग वो नहीं है जो 2000 में थी, 2000 की दहाई में थी या उससे पहले में थी। इसमें उनके सिर्फ दो तीन बल्लेबाजों के गिर्द उनकी बैटिंग घूमती है। उसमें सबसे पहले आपको ऊपर डेविड वार्नर है, अच्छा खेल रहे हैं, उस्मान ख्वाजा बहुत अच्छे टच में नहीं है, स्टीव स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म है, लबुशेन कंफर्टेबल नहीं है, मिच मार्श और उनके साथ ट्रेविस हेड और ऊपर से डेविड वार्नर, ये तीन बल्लेबाज हैं जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरनाक। ये तीन बल्लेबाजों ने ना हमारे शक्के छुड़ाती हैं, और चाहे उनकी बैटिंग लाइन हमसे ज़रा तगड़ी ना हो बट स्टिल दे आर डूइंग बेटर देन अस, उस पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट यासिर, मैं आपसे आमिर जमाल के वाले से पूछना चाहूँगी, कितना ज़बरदस्त एडिशन है, और कितना अगर मैं साइम अयूब की बात करूँ तो उनका भी जो डेब्यू है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आमिर जमाल ने बड़ा ज़बरदस्त प्रूव किया बियॉन्ड द लिमिट्स, मैं कह सकता हूँ, जिस तरह के एटीट्यूड और जिस तरह के एग्रेशन से उन्होंने खेला, और बड़े फिट है माशाल्लाह। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ जो मिसिंग थी वो ये थी कि यार एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर चाहिए जो इस पैक को लीड कर सके। शाहीन शाह अफरीदी से काफ़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी जो फिटनेस थी, जो वर्क लोड था ओवर द ईयर्स जो भी था, और अभी वो कप्तान भी है तो उन्होंने फाइनल टेस्ट मैच में रेस्ट लिया ताकि आगे 5 T20s के लिए वो फ्रेश हों और अच्छी तरह लीड करें। बट आमिर जमाल का मैं कहूँगा कि ही वॉज राइट देयर। मेरे ख्याल से उन्होंने जिस तरह के एग्रेशन से बॉल की और जिस तरह जान लगा, कहते हैं ना हार्ट आउट, उसने अपनी परफॉर्मेंस दी है। शोल्डर से बॉल करते हैं, शोल्डर से जब भी बॉलर बॉल करते हैं और पेस हो उसके पास तो ही वेरी इफेक्टिव। और मैं समझता हूँ इज ए गुड एडिशन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आने वाले टाइम में। अच्छा, प्लेयर तो आप प्लेयर की नफसियात को अच्छा समझ सकते हैं यासिर, मुझे बताएं कि बाबर आजम की हम परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, समहाउ वो पिछले कई मैचेस से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमारे पास मौजूद है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हमारे पास मौजूद है, ऑन पेपर्स लाइक वो अच्छे नंबरों पर, लेकिन फील्ड में आजकल ही लुक्स लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। एक ही टेक्निक से बार बार आउट भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वो प्रेशर में ज़्यादा आ गए हैं, और वो प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस पे भी नज़र आ रहा है? देखिए, एक पैच होता है बैट्समैन का, एक बैड पैच भी होता है, ड्यू होता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे रन्स किए हुए हैं। तो बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि यार आप इतना अच्छा नहीं खेल रहे होते लेकिन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस फ्लो में होते हैं आप, तो वो अच्छा पैच चल रहा होता है आपका। तो एक बैड पैच भी हर प्लेयर पे आता है। मेरे ख्याल से बाबर आजम इज नॉट डूइंग दैट बैड इन दैट बैड पैच। अगर आप देखें तो वो मिडल में अच्छा नज़र आ रहे होते हैं, उनके बल्ले पे बॉल आ रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन एक वो बॉल पड़ जाता है उन्हें तो वो इस पैच से निकल जाएंगे। आई गेस शायद आज की इनिंग में निकल जाए, आज भी वो 20-22 कर चुके हैं और अच्छे लगते हैं। हाँ। मतलब कहीं पर हमने ये नहीं देखा कि उनको बॉलर्स ने आके प्रेशर डाला हो एक्स्ट्रा, या फील्डर चढ़ गए हो, यू नो, जब बैट्समैन कॉन्फिडेंस में लो होता है तो जो फील्डिंग साइड होती है वो आप पे डोमिनेट कर जाती है, प्रेशर में ले आती है, लेकिन वो चीज हमने नहीं देखी। गुड साइन, 40-41 करते रहे। इतना हमारा अच्छा प्लेयर, हम नहीं चाहते वो कि वो जाया हो। अच्छा इमरान, मुझे बताइएगा कि कल इंशाल्लाह हम देखने के जी जो T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है उसके वाले से भी आम अनाउंसमेंट होने जा रही है। डू यू थिंक ये जो गिवन सर्कमस्टांसेस है हमारी टीम के इस वक्त, माशाल्लाह से आधी से ज़्यादा टीम तो इंजर्ड भी बैठी हुई है, हम रेडी हैं PSL के मैचेस के लिए और T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए? देखिए पाकिस्तान, देखिए जैसे आमिर जमाल ने परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, और पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन, हारिस, जमान ये फिट रहते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा शानदार सा पेस अटैक आपके लिए बन सकता है। एक स्पिनर आपने, एक दो स्पिनर्स आपने शामिल करने हैं। PSL से आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो शादाब से थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा हो, या शादाब फॉर्म में वापस आ जाते हैं, उसामा थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ये वाला जो है
ये उसके लिए पाकिस्तान को अच्छी पाकिस्तान की टीम बन सकती है और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान बेहतर खेलता है। यही एक वजह है कि इसी बरस में हमने T20 क्रिकेट भी खेलनी है और शाहीन आफरीदी के वर्कलोड की जो आपने बात की थी, गालिबन इसी वर्ल्ड कप को देखते हुए ही इस वाले टेस्ट मैच से उन्होंने आराम लिया। और आप देखें कि पाकिस्तान के लिए ये कितना अच्छा हुआ है कि बावजूद इसके कि शाहीन पाकिस्तान के तरफ से ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बर्तरी ली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पाकिस्तान के पास इस टेस्ट मैच में 250-300 के करीब अगर पाकिस्तान ने रन्स कर लिए तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में होगा। इतना आसान नहीं होगा चौथे इनिंग्स में सिडनी में रन्स करना। आज जैसे स्पिन हुआ ना वो साजिद का बॉल जिस पर लबुशेन आउट हुआ है, पहले खिड़की खुली उनकी और फिर उसके बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा ये टेस्ट मैच हो सकता है। और T20 में पाकिस्तान का फेवरेट वो है फॉर्मेट और पाकिस्तान T20 की निस्बतन मुख्तलिफ टीम है वनडे और टेस्ट मैचेस से, तो पाकिस्तान एक मजबूत टीम होगी। बेहतर करने वाली है ना, बेहतर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्लेयर्स को देखें, एक बात यह है कि जब आपके फॉर्मेट बढ़ गए हैं तो आपके प्लेयर्स की तादाद बढ़नी चाहिए जो हर फॉर्मेट के हिसाब से पाकिस्तान के लिए खेल सके, बजाय इसके कि हम और यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को भी तो चाहिए ना कि वो भी हमारे प्लेयर्स पे ज्यादा बर्डन ना डालें, उनको भी देखना चाहिए क्योंकि ये सारे इतने यंग प्लेयर्स हैं, खुदा ना खासा हमने इनको एग्जॉस्ट कर दिया, कोई ऐसी इंजरी की होगी इनका करियर जो है वो तबाह हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे, यासिर अमीन टेस्ट क्रिकेटर मौजूद थे और हम बात कर रहे क्रिकेट के हवाले से और बड़े चांसेस हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपना जो तीसरा मैच है जो कि सिडनी में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जीत जाए। और हम पाकिस्तानियों के लिए ना यही बड़ा होता है, एक मैच जीत जाए और पिछली तमाम तो परफॉर्मेंसेज जो है ना वो हम माफ़ कर देते हैं। सो अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। बड़ा ज़बरदस्त एडिशन हमारी टीम में आमिर जमाल का भी हुआ है, उसके बाद साइम महबूब से नाइस एडिशन, बट अभी उनको उतना डिलीवर करना है जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा खैर जी, आपको एक नहायत ही दिलचस्प शख्स का दिलचस्प जवाब ज़रा बताते हैं। गुरुकार अली जफर से सोशल मीडिया पर एक उनके फॉलोअर ने पूछा कि भाई आपकी जल्द इतनी चमकती है, राज क्या है इसके पीछे? जिस पर अली जफर ने जवाब दिया कि मैंने कभी कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं की, जल्द पर चमक कभी भी क्रीमों से नहीं आती। मतलब ऑफकोर्स वो ग्लो के हवाले से बात करते हैं कि इतना ग्लो कैसे, लेकिन जो असल चमक है ना वो अंदर से, ना वो अंदर से आती है। अच्छा सोचें, नीयत अच्छी रखें, अच्छा खाएं पिएं, रूह को पाक रखें, गीबत से गुरेज करें, वर्जिश करें और माँ बाप की खिदमत करें, सब चमक जाएगा। अब अली जफर से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अली आपने इतनी अच्छी चीज़ें तो बता दी पर इतनी मुश्किल चीज़ें बताएं, कोई आसान टिप बताते। ये जो चीज़ें आपने बता दी हैं इस पर काम करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मतलब गीबत से गुरेज करना, दिल साफ रखना, लोगों को माफ़ करना, अच्छी से आसान टिप बता देते अच्छा हो जाता, लोगों की स्किन ही चमक जाती, ग्लो। या छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा, पर हाँ अच्छा सोचने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। हाँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गो के पाकिस्तान में वैसी सर्दियां नहीं आईं जो सर्दियां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और कल मैं मौसम के वाले से सुन रही थी कि लाहौर में भी इस बार सर्दी का जो दौरानिया है वो होगा कम। अच्छा सर्दियों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा शौक से खाई जाती है फलों में वो है जनाब किन्नू। सर्दियों की धूप हो, आप अपने घर की छत पर बैठे हुए हों, हाथ में आपके किन्नू हो और साथ में किन्नू के साथ जो काला नमक मिलता है, भाई आहा हा हा मज़ा ही आ जाता है। मैं सोच रही हूँ तो सोच के मेरे मुँह में पानी आ जाता है। और ये जो किन्नू अगर आपका कोई रिश्तेदार भलवाल से या सरगोदा से लेकर आए ना तो उस रिश्तेदार की इज्जत बड़ी बढ़ जाती है। वजह ये है कि भलवाल और सरगोदा के जो किन्नू होते हैं ये काफ़ी खुश जायका होते हैं, रसीले होते हैं और किन्नू की पैदावार के लिए दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हैं ये दो इलाके। वसी रकबे पर फैले हुए किन्नू के बागात इस इलाके की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जहाँ किन्नू की फार्मिंग से लेके प्रोसेसिंग और पैकिंग तक के जो मराहल से 4 लाख अफराद का रोज़गार वाबस्ता है और 200 के लगभग एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज में 300 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है। यानी कि इतना बड़ा बिजनेस है जो यहाँ पर किन्नू पैदा किया जाता है उसके हवाले से। तमाम अब पाकिस्तान से किन्नू की 22 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट खतरे में पड़ गई हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। वहीद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। क्या वजह बनी है जो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो एकदम से खतरे में पड़ गई है?
जी एकदम से तो एक खतरे में नहीं पड़े, में नहीं पड़ी। असल में सिट्रस के अंदर कोई भी वैरायटी जो होती है, ऑरेंज हो या कीनू हो या लेमन या मैंड्रीन में कोई भी वैरायटी हो, वो 25 साल से ज़्यादा उसको जो है चेंज करना पड़ता है। ये दुनिया की प्रैक्टिस है, वर्ल्ड की प्रैक्टिस है, जहाँ पे सिट्रस उगते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर ये 60 साल हुए हैं, ये जो हमारा जो कीनू आया USA से आया था, आज इसको 60 साल हो गए, मगर हमने पैरेलली कोई भी वैरायटी इंट्रोड्यूस नहीं की। और ये बातें हम आज नहीं कर रहे हैं, हुकूमत जो आज प्रेस खबरों में भी आ रहा है, हमने ये 7-8 सालों से कह रहे थे जब ये इशू नहीं थे। इसलिए हमने उस वक्त हुकूमत को कहा था कि ये काम आज शुरू करेंगे तो ये 5-6 साल लगते हैं इसको काम करने में, न्यू वराइटीज में। इसलिए इसमें रिसर्च होती है, वो एरिया वाइज कौन सी होती है, क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें उस वक्त से बोलते जाएँ जो 8 साल में जो भी हुकूमतें आए, फेडरल हुकूमत हो या प्रोविंस 80 अमेंडमेंट के बाद, तो सूबों की जिम्मेदारी है। मगर कोई इसके अंदर मैं ये समझता हूँ एग्रीकल्चर में कोई भी हुकूमत आती है वो फोकस नहीं करती, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग होती है। मैं यही समझता हूँ जो हुकूमत कभी नहीं पता होता ये 3 साल के लिए आती है, 4 साल के लिए आती है, तो बात ये है कि वो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती, वो डैम्स हो या एग्रीकल्चर हो। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपसे इसी वाले से डिस्कशन पहले भी हो चुकी है कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं देखती, वो प्लानिंग उसी टाइम और टेन्योर तक के लिए देखती है जब तक वो खुद मौजूद होती है, चाहे उस छोटे टाइम की प्लानिंग से मुल्क की मईशत जो है वो जितना मर्जी सफर करे। बात यह है ना कि अगर कोई भी हुकूमत आती है वो पाकिस्तान के लिए सोचे और पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म। हम लोग सुबह उठते हैं तो ये सोचते हैं कि आज क्या करना है, और सोचते क्या है, काम सामने पड़ा हुआ होता है, तो एडॉक बेसिस पे ये मुल्क चल रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म खैर एग्रीकल्चर की या किसी चीज़ में भी की भी प्लानिंग नहीं है इस मुल्क में। अगर प्लानिंग होती तो आज इकॉनमी का ये हाल नहीं होता। बात है कि अगर कोई भी हुकूमत अच्छी काम भी कर रहे हो तो उस पॉलिसी को भी लेके चलना चाहिए कोई भी हुकूमत हो। ये नहीं हो कि जी वो ए ने चलाया था तो हम क्यों चलाएं, ये तो हमारी इज्जत है कि हम तो नहीं चलाएंगे। मगर बात है जो पाकिस्तान के फायदे में उसको हमें लेके आना चाहिए और जाना चाहिए। कीनू का इशू क्या हो गया, लोकल का कोई इशू नहीं, ये नहीं कि कीनू खराब हो गया अंदर से खा नहीं सकते उसको, ऐसी वजह नहीं है। कीनू जो है ना एक्सपोर्ट जो भी चीज़ होती है वो उसमें एक तो उसका अपेयरेंस देखा जाता है, दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ का मतलब है कि उसकी जो जिंदगी है, क्योंकि हम जब भी उसका ट्रांजिट टाइम काफ़ी लंबा होता है, जिससे हम रशिया, कैनेडा, UK, फिलिपीन, हांगकॉन्ग और भी मुल्कों में करते हैं, जो 30 दिन से लेके 45 दिन। अब तो जो रेड सी का जो प्रॉब्लम आ गया है इस टाइम पे, वो तो 45 भी नहीं, पता नहीं अभी शिपिंग लाइन कह रहे हैं कि कोई ट्रांजिट टाइम नहीं है, कोई भी हम बता नहीं सकते, 2 महीने से भी ज़्यादा हो सकता है। तो पहले जो हमारे कीनू की शेल्फ लाइफ होती थी वो 2 महीने होती थी, अब वो 20-25 दिन पे आके खड़ी हो गई है। और इसकी वजह से जो इंटरनेशनली मार्केट में देखें, लोकल मार्केट में तो टूटा और मार्केट में आ गया और कंज्यूम भी हो जाता है हफ्ते में, जब पहुंचता है क्लियर होता है फिर मार्केटों में बिकता है, तो उसमें टाइम चाहिए होता है। तो बात है कि ये जो क्वालिटी के इशू बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखें अगर उसकी शेल्फ लाइफ अगर कम होगी, आप जैसे बता रहे हैं कि 20-22 में उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी, तो फिर तो हम इसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। ये तो इशू आ गया। अच्छा, ये हम पिछले साल भी ये प्रॉब्लम आया, उससे पिछले साल भी ये था, हम भूलते जा रहे हैं, इसलिए ये डिक्लाइन एक्सपोर्ट होती जा रही है। देखें इसका जो इशू है ना, इसका न्यू वैरायटीज हम इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, और अगर इसको हम कीनू को सही कर सकते हैं तो उसको करें, मगर हमें न्यू वैरायटी हर हालत में करनी है, क्योंकि अब हमारे पास सर्वाइवर नहीं इस इंडस्ट्री का। हमारी टोटल एक्सपोर्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल की $850 मिलियन है, उसमें से जो 2 साल पहले $220 मिलियन कीनू की थी, अगर हम उसमें से हटा दें 220 तो रह क्या गया इसके बाद फिर एक्सपोर्ट फ्रेश फ्रूट के खासकर। ये दिस इज लाइक 1/4 उसका हिस्सा जो कीनू का हो गया, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। खैर, हुकूमत इस वाले से कोई ना कहते इमरजेंसी बुनियादों पे चीज कुछ करनी चाहिए, ताकि इतनी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और इतने लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है, लोग सफर ना करें। बहुत शुक्रिया जी, वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि किन्नू की हवाले से, क्योंकि किन्नू आपके पास इवन कि फ्लोरिडा में, जैसे बात कर रहे हैं कि 60 साल पहले ये अमरीका से आया था, फ्लोरिडा से ज्यादा अच्छा किन्नू आपको पता है भलवाल और आपको सरगोधा से मिलता है, लेकिन फायदा क्या जब उसकी शेल्फ लाइफ इतनी कम हो और दुनिया के लोग इंजॉय ना कर सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये जुमला हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं. अंडे हमारी डाइट का एक बहुत अहम पार्ट होते हैं और सर्दियों में तो इसकी मांग मजीद बढ़ जाती है. आप बस स्टॉप पे हों, आप रेलवे स्टेशन पे हों, आप किसी मकामी मार्केट में मौजूद हो तो एक आवाज़ बिल्कुल आपके कानों में आपको गूंजते हुए सुनाई देगी, वो है कि जी गर्म अंडे. और सच तो ये है कि ये अंडों की अहमियत का अंदाज़ा सर्दियों में ज़रूर होता है कि भाई जहाँ हमारी हड्डियाँ जो हैं लिटरली जवाब देने लग जाती हैं, तो वहाँ पर ये अंडे किस तरीके से ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी हड्डियों को भी एक तरीके से सुकून भी दे रहे होते हैं और इनको स्ट्रेंथ भी दे रहे होते हैं. अंडों की कीमतों की अगर मैं बात करूँ तो वो तो जनाब पहुँच चुकी हैं आसमान तक, ठीक है, लेकिन क्या करें, इसकी ग़िज़ाइत भी काफ़ी उरूज पर है, तो इसलिए इस पर बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे आप उसको बॉयल फॉर्म में खाएँ, चाहे उसको फ्राई फॉर्म में खाएं, अंडा है जनाब और अंडे का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये अंडे का फंडा क्या है, इस हवाले से बात करेंगे जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयात यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट ज़ोहा मतीन, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा एंड वेलकम टू माय शो. ज़ोहा, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा कि जी संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे. बच्चों को हमेशा से बताया जाता है, बच्चे जब अंडे से भागते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है अंडा हमारी रोज़ की डाइट में शामिल होना. अंडा बहुत हेल्थी होता है, उसमें इतने सारे विटामिन होते हैं, कहते हैं नेचर्स मल्टी विटामिन, क्योंकि उसमें विटामिन डी भी होता है. कितनी पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी है, जो आप बात कर रही हैं बोन्स के बारे में, विटामिन डी उसमें मौजूद होता है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है. बाकी डाइट में इतना विटामिन डी नहीं मिलता जितना अंडों से आसानी से मिल सकता है. और फिर आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, आई हेल्थ को बहुत सपोर्ट करते हैं. एंड जनरली एवरी डे आप खा सकते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल पर भी फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा ठीक है, ये जब हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकली डाइट्स की भी, और आजकल तो एग डाइट्स भी बहुत चली हुई है, मैं सुबह तो उसमें आप इसको जर्दी के साथ खाएं वो ज़्यादा बेहतर है, या विदाउट आप इसको जर्दी के खाएं वो ज़्यादा बेहतर है? जर्दी के साथ खाना एक्चुअली ज़्यादा हेल्थी है. लॉट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस, मिनरल जर्दी के अंदर ही मौजूद होते हैं, तो आप वाइट्स भी खा सकते हैं कभी कभार अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, लेकिन इवन एवरी डे अगर आप एक योग खाएं वो बिल्कुल हेल्थी होगा. तो मुझे बताएं कि क्या कोई स्पेसिफिकली इसकी टाइमिंग्स भी है ज़ोहा, हमें ये सिर्फ नाश्ते में खाने चाहिए या हम दिन के किसी भी टाइम हम खा सकते हैं? किसी भी टाइम खा सकते हैं. और बच्चों के लिए मुझे बताएगा कि बच्चों की डाइट में किस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज पहले तो माएँ बच्चों के दूध में भी अंडा ऐड कर लेती थी, गर्म गर्म दूध में अंडा ऐड कर लेती थी. तो कितने अंडों की मकदार होनी चाहिए, क्वान्टिटी क्या होनी चाहिए? दो अंडे हर रोज़ बहुत अच्छे होंगे बच्चों के लिए फॉर देयर ग्रोइंग नीड्स. तो आप ऑमलेट फॉर्म में खा लें, बॉयल खा लें, जैसे आपके बच्चे को पसंद है आप खा सकते हैं. सही, उसमें जैसे कहते हैं कि जी अंडे का मीठा हलवा बना के भी अगर आप खाएं तो उसमें भी उसके जो न्यूट्रिशन हैं वो मौजूद रहेंगे. जी बिल्कुल. अच्छा, ये कुछ वो अक्सर लोग कहते हैं जी आपने डाइट करनी तो नीचे उबले हुए अंडे ही खाएँ, आपने हाफ फ्राई या पोस्ट एग्स आपने नहीं खाने, सो क्या फ़र्क हो जाती है चीज़ें इनकी जिस तरह से वो बनाए जाते हैं? ऑयल्स में कैलोरीज होती हैं, तो कि अगर बहुत ही आप फ्राई अंडा खा रहे हो उसमें ऑयल्स की कैलोरीज कुड कंट्रीब्यूट टू वेट गेन, तो अगर आपको वेट लूज करना है तो बॉयल्ड अंडे शायद थोड़े बेहतर हो फॉर वेट लॉस. सही, ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं कि हम किस तरीके से, अगर हम कभी किसी को एग डाइट भी सजेस्ट करना चाहें, इज इट हेल्दी? ओवर कंसम्पशन, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता फॉर योर हेल्थ. बैलेंस डाइट होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाने मौजूद हों आपकी डाइट में. तो आई एम नॉट फॉर एक ही चीज़ बार बार वो खा दें, बंदा थक भी जाता है कितनी देर वो डाइट कर सकते हैं. तो अगर आप यू नो हर रोज़ अंडा भी खाएं लेकिन दूसरे प्रोटीन सोर्सेज भी खाएं अपनी डाइट में, उससे वेट लॉस सबसे बेहतर होता है. आपने कहा कि अंडा है जो है एंटी एजिंग है, कैसे? स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. तो आई थिंक इन दैट वे एंटी एजिंग में तो बड़ा अच्छा होगा. सही, ठीक है. अच्छा, और जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं, कि वो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर आप जर्दी के साथ अंडा खा रहे हैं तो शायद पता नहीं वो उनके लिए अच्छा हो या ना हो, तो उनके प्रेग्नेंट वुमेन को अंडा जर्दी के साथ ही खाना चाहिए. उसमें सेलेनियम एक मिनरल है जो मौजूद है, वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी डाइट से इतना नहीं मिलता. तो प्रेग्नेंट वुमेन डेफिनेटली आई रेकमेंड कि हर रोज़ अंडा एक ज़रूर खाएं. और जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको ब्लड प्रेशर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम उनको भी अंडा जो है वो जर्दी के साथ दें या वाइट्स में दें? जर्दी के साथ दे सकते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के साथ. और वो सुबह वही के नाश्ते के टाइम वो एक ही अंडा खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा? ठीक है. अच्छा मुझे बताएं कि अंडे से हम और क्या कर सकते हैं? फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं, बहुत सारी बेकरी आइटम, बेक्ड गुड्स बना सकते हैं जो हेल्थी भी हों, होल व्हीट के साथ अगर आप बनाएं या चक्की के आटे के साथ, बहुत सारी बेक आइटम्स अंडों के साथ भी बन सकते हैं. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी. ज़ोहा मतीन हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे अंडों के हवाले से.
और जो कहते हैं ना कि अंडे का फंडा, हमने वो डिस्कस करने की कोशिश की। मैं छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मचाइएगा। वेलकम बैक। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाले एक दूसरे को रास्तों में ही छोड़ने लगे हैं। मजबूत बंधन कच्चे धागों की तरह टूटने लगे हैं। आपको पता है साल 2023 में लाहौर में अदालत के जरिए तलाक लेने वालों की तादाद में 22% तक इजाफा हुआ है। 14,000 खवातीन ने खुला ली, 7,000 केसेस ताहाल ऐसे हैं जो कि ज़ेर अल्तवा हैं। अब ये इतने तलाक के केसेस क्यों होने लगे हैं? क्या लोगों में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, या फिर ख़वातीन, क्योंकि हमेशा हम ख़वातीन को ही होम मेकर्स कहते हैं और उन्हीं को बचपन से बताया जाता है कि आपने ही घर बसाना है और आपने ही बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्या उन्होंने भी अब कॉम्प्रोमाइज़ करने से हाथ उठा लिए हैं? क्योंकि हमारी ख़वातीन भी आजकल की काफ़ी बाख्तियार हो गई हैं और बहुत इंडिपेंडेंट हैं। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। जावेद साहब, ये हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में तलाक और खुला का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। छोटी से चले ठीक है, कोई बहुत एक्सट्रीम वजह हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ समझ में आती है, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटने लग गए हैं, वजह क्या है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई एक वजह तो नहीं मैथमेटिकली बताई जा सकती, जैसे 2-2-4 होता है, लेकिन मैं कुछ चीजें उनकी निशानदेही करता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक जमाने में हम ये कहते थे कि बेटी हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम जिस घर में तुम जा रही हो ना, वहां अब तुम्हारी डोली गई है, वहां से तुम्हारा जनाजा आना चाहिए, और वो बेटी है, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी और उसके बाद उसका जनाजा ही आता था डोली की बजाय। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, बच्चियां जो है वो ज्यादा पढ़ लिख गई हैं, बच्चियों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चियों को अपने राइट्स का पता चलना शुरू हो गया है, और साथ वो एम्पावर्ड भी हो गई है। एम्पावर्ड होने का मतलब ये है कि वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो थी ना, जिसकी वजह से वो कता ताल्लुक नहीं कर सकती थी, वो उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी है। तो लिहाजा वो कहती है जी मैं क्यों, वहां से मेरा जनाजा क्यों आए, अगर मतलब आपने डोली गलत जगह पर मुझे भेज दी है तो मेरा जनाजा क्यों आए। तो इसलिए जो हम बहुत तशवीश से कहते हैं, देखिए खानदान टूट रहा है, लोगों को टॉलरेंस नहीं है, जहां उसकी ये वजह है वहां एक्चुअली इसका एक पॉजिटिव फिनोमेना भी है। वो पॉजिटिव फिनोमेना ये है कि बच्चियों को अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि भाई एक ऐसे शख्स के साथ जो मैं, जिसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है या जिसके साथ एक प्रॉब्लम है, तो मैं उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूं। एक तो है ये, लेकिन जो उसका दूसरा एस्पेक्ट है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमने सारा इनाम का भी केस देखा ना, भाई कैसे मतलब घरों में वाकई ऐसा होता था कि बच्चियां घर में मार खा लेती थी, सब कुछ बर्दाश्त करती थी, ना माँ बाप को बताती थी, ना घर आने जोगी होती थी कि भाई नहीं, घर वाले हमें कबूल नहीं करेंगे। लेकिन वही बात है ना कि डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर, यहाँ पे वो बात भी आ जाती है। और जो दूसरी बात बेटा बड़ी जरूरी है याद रखने की, वो ये है कि बहरहाल हमने अपने माशरे में घरों के लेवल पर बच्चों की तरबियत का निजाम वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे यहाँ घरों के अंदर जो अमूमी गुफ्तगु होती है वो ब्रांड्स की गुफ्तगु होती है, खासतौर पर खवातीन की, मर्द भी ऐसे करते होंगे, लेकिन अमूमन ब्रांड्स की गुफ्तगु होती है, और जो जिसमें पैसे को सेलिब्रेट किया जाता है उसकी गुफ्तगु होती है, फलाने कौन से कपड़े पहने थे, कहाँ सेल लगी हुई थी। तो हमारी गुफ्तगु के अंदर वो जो एक वैल्यू सिस्टम की डेप्थ होती थी जो घरों में हुआ करती थी वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे यहाँ जब बच्चों की शादी होती है, उस शादी करने का जो मयार होता है वो यही होता है कि किसी ने कह दिया कि फलां का बेटा है और फलां की बेटी है, और वो पहले उनके घर गए, उन्हें लड़का पसंद आया, हो गया। हाँ, आज एक छोटी सी दाढ़ी वाला लड़का था, पता लगा उसने एक डॉक्टर बन गया है वो, और लड़की के बारे में पता चला कि लंबे लंबे बाल है, मोटी मोटी आंखें हैं, अच्छा रंग है, और ये दराज कामत है, और उसने आर्ट स्पॉन्सर से वहां से फॉर एग्जाम्पल फाइन आर्ट्स में कुछ डिग्री की हुई है, चलें फिर आप हमारे घर आइएगा, फिर शादी हो गई। अब उस लड़के और लड़की में से किसी को ये नहीं बताया गया कि जब एक आप एक शादी के बंधन में बंधेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। वो उसी शैलोनेस के साथ और उसी यानी मयार में जहाँ वैल्यूज को सिखाया नहीं गया, उसके साथ जब वो शादी के रिश्ते में आती हैं,
या आते हैं लड़के और उसमें जरा सा भी प्रेशर क्रिएट होता है तो उस प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये दो टू फोल्ड बातें हैं, इसका एक पॉजिटिव फिनोमेना भी है। अच्छा, ये सिर्फ डॉक्टर साहब प्लीज, हम इसको लड़कियों तक ही क्यों रखें, हम ऐसे लड़कों की तरबियत क्यों नहीं करते? हमारे लड़के भी आजकल ये चाहते हैं कि जो लड़कियां आए एक तो फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो ताकि उनको उनको पॉकेट मनी ना देनी पड़े, उनको उनके खर्चे ना उठाने पड़े। और फिर दूसरी बात है कि आजकल हम ये बात भी ऑब्जर्व करें कि हमारे जो लड़के हैं वो कमिटमेंट से बहुत भागते हैं। तो मैं आपको अर्ज करूं कि असल में तरबियत तो लड़कों की ही जरूरत है। बेसिकली जब एक शादी के बंधन में आदमी बनता है तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लड़के की है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम सारा का सारा ऑनस लड़कियों पर डाल देते हैं कि तुम बर्दाश्त करते रहना, तुम जो है वो तुम कोई बात कह दे तो उनको सुन लेना, कोई बात नहीं। ये बातें बिल्कुल सही है, हमें यही कहना चाहिए, लेकिन लड़कों की उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तो अपने घर में पहले वैसे ही रहते थे, आप एक घर में एक लड़की को लेके आए हैं जिसके लिए पूरा माहौल डिफरेंट है, जिसका पूरा आपके घर का सेटअप डिफरेंट, जरूरी नहीं गलत सही मगर डिफरेंट है, तो अडॉप्ट तो उस लड़की ने आके करना है। लिहाजा जो उस लड़की के ऊपर स्ट्रेस है, जो जो चैलेंज है, उस चैलेंज को भी उसके खामद को सपोर्ट करने की जरूरत है। तो आप इस बात में तो कोई कलाम नहीं है कि हम सारी जिम्मेदारी लड़कियों पर डाल देते हैं, लेकिन उससे कम से कम 10 गुना बड़ी जिम्मेदारी लड़के की होनी चाहिए। मेरे ख्याल में एक लड़के की शादी नहीं करनी चाहिए जब तक ये वेरीफाई ना कर लिया जाए कि वो एक और जिंदगी को अपने साथ एक सीनियर के तौर पर वो एक उसको लाभ ले जा सकता है। देखिए हमारे इस बात पर बड़ा इतराज किया जाता है वेस्ट में कि ये क्यों कहा जाता है कि मर्द जो है वो सुपीरियर है औरतों के ऊपर, के अर रिजालु कवामून अल निसा। उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है। उसको इख्तियार घर के हुक्मरान का दिया गया है आफ्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी सारी जो, और यही हमारे लड़कों को समझाने की कोशिश है कि एक अव्वल दर्जा बड़ा दर्जा दिया गया वो भी इस वजह से क्योंकि तुम सरपरस्त हो और तुम्हें यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, मुझे आप लोगों से इजाजत देनी, वक्त बहुत मुख्तसर है वरना बड़ी मजे की गुफ्तगू से मजीद होती। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़।